अभी तक तो सूर्योदय हो जाना चाहिए था। हे नारायण, आर्य को उचित समय पर पवित्र जल लेकर भेज दीजिए। हमारे गोकुल को नष्ट होने से बचा लीजिए प्रभु। लीजिए। अद्भुत! मुझे नहीं पता था देवराज, आप इतना स्वादिष्ट माखन निकाल सकते हैं। अब तो बार बार आपसे ही माखन निकलवाना होगा। क्या आप मुझे भक्ति अश्व को ले जाने की अनुमति है? ले जाइएगा देवराज। इतनी शीघ्रता क्या है? मैंने कहा था मटकी के पूरे दूध का माखन निकालना है। दूध अभी शेष है देवराज। निकालिए निकालिए और माखन निकालिए। कितना दूध है इस मटकी में? मैं कब से माखन निकाले जा रहा हूँ पर दूध समाप्त ही नहीं होता। वो तो आप मटकी से पूछिए। बहुत चतुर। केशव, मैं हार मानता हूं। मैं मानता हूं कि मुझसे त्रुटि हुई, बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे जो भी दंड देना हो दे दो, परंतु संसार की भलाई के लिए मुझे भक्ति अश्व को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दो। मैं आपको अश्व तभी लौटाऊंगा जब आप स्वयं मुझे देवलोक का राजा बना देंगे। देवलोक का राजा बना देंगे। क्या राज इंद्र, हमने तो ये भी सुना है कि कुछ देवताओं का ये मानना है कि केशव को देवलोक का राजा घोषित कर देना चाहिए। सोच लीजिए देवराज, राजा होने के नाते अपनी प्रजा की रक्षा आपका कर्तव्य है। सिंहासन से मोह किस काम का? अपना सिंहासन लेकर दौड़ते हुए विष्णु जी के पास गए, अपनी प्रजा को छोड़कर। उस दुष्ट केशी ने मुझे युद्ध में परास्त कर दिया, परंतु प्रभु मैं ये स्वर्ग लोक का सिंहासन ले आया हूँ अपने साथ, और जब तक वो दुष्ट इस राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा तब तक वो स्वर्ग का राजा नहीं कहलाएगा। राजा को सिंहासन से नहीं, प्रजा से प्रेम होना चाहिए, अपने कर्तव्य से प्रेम होना चाहिए। सिंहासन का मोह त्यागो इंद्रदेव। तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई। मैं चाहे कुछ भी करूं, स्वर्ग का सिंहासन तो मेरे हाथ से गया। अगर कृष्ण की बात मान लेता हूं तो ये स्वर्ग का राजा बन जाएगा, और अगर भक्ति अश्व को लेकर यहां से नहीं गया तो सूर्यदेव और अन्य देवता मिलकर मुझे वैसे ही स्वर्ग के सिंहासन से उतार देंगे। अब ऐसे में उचित क्या होगा? ठीक है केशव, आप जीते मैं हारा। आप ही आज से स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ जाइए और स्वर्ग के राजा बन जाइए, परंतु मुझे भक्ति अश्व को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दीजिए, नहीं तो संसार में हाहाकार मच जाए। मैं सिंहासन का क्या करूंगा? मेरे लिए तो यमुना का तट और माखन पर्याप्त है। बड़ी बात ये है कि आपको समझ में आ गया कि राजा का कर्तव्य क्या है। अब आप भक्ति अश्व को
ले जा सकते हैं देवराज। धन्यवाद केशव, प्रणाम। मैंने अपने जीवन काल में सूर्योदय में इतना विलंब कभी नहीं देखा। हर हर महादेव, गोकुल का श्राप हरो महादेव। ओम नमः शिवाय। ने पुनः गोकुल को भारी संकट से मुक्त किया। ग्राम प्रमुख हो तो नंद जी जैसे। नंदराज की जय। नंदराज की जय। नंदराज की जय।